वेलकम बैक टू माई चैनल उरूसस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आप सब के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो जनाब, आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार स्प्रिंग रोल की रेसिपी। बहुत ही आसान है, बहुत मज़ेदार बनेंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप अपने इफ्तार में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने लेनी है वेजिटेबल। वेजिटेबल्स में मैंने ली है गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी। और उसके बाद चिकन लेना है, हमने हाफ के जी चिकन लिया है, उसको मैंने बॉईल कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को मैं फ्राई करूँगी पहले ऑयल में। तो आधा चम्मच लिया है मैंने खाने बनाने का जो चम्मच होता है आधा, वो मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड किया है। साथ में हम अपनी वेजिटेबल्स और चिकन को फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले मैंने चिकन इसके अंदर ऐड की है और उसके बाद मैं सारी सब्ज़ियाँ इसके अंदर ऐड कर दूँगी। सारी सब्ज़ियाँ ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से पहले फ्राई करेंगे, उसके बाद हम अपने स्पाइसेस ऐड करना स्टार्ट करेंगे। अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड किए हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। देन मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है 1 टीस्पून और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस, सिरका ऐड करेंगे और ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे और उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, मिक्स करेंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी है। अब मैं इसको ठंडा करूँगी, उसके बाद ही हम रोल बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने आटा और उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है। तो सबसे इजी वे है ये रोल फोल्ड करने का कि सबसे पहले आप सेंटर में ये बैटर रखेंगे, दोनों साइड के जो कॉर्नर है उसको फोल्ड करेंगे और बस इसी तरह आप अपने जो रोल है उनको बनाते जाएंगे, इस तरह फोल्ड करते जाएंगे। जो कॉर्नर्स है वहाँ पे अभी जो हमने आटा और वो पानी मिक्स किया था वो हम लगा देंगे और इसी तरह से हम सारे रोल तैयार कर लेंगे। और बेफिक्र रहें, जब आप इस तरह से बनाएंगे तो जब आप फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी ये रोल आपके खुलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत से लोग डरते हैं कि फ्राई करते हुए हमारे जो रोल हैं उनके कॉर्नर्स जो हैं वो खुल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, आराम से रिलैक्स होकर आप बनाइए। ऑयल मैंने गर्म कर लिया है और फिर हम 1 बाय 1 अपने सारे रोल फ्राई कर लेंगे। फ्लेम आपने जो है वो मीडियम रखनी है ताकि रोल जल ना जाए। जैसी इसकी एक साइड आप देखते हैं कि ब्राउन हो गई है, आप इसकी साइड्स को चेंज करते रहें और इसी तरह आपके मज़ेदार स्प्रिंग रोल बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह जल्द आप लोगों के लिए मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आऊँगी और अच्छे अच्छे से व्लॉग्स। तो देखते रहिए मेरे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में बरकत दे और आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।